एप्पल साइडर विनेगर। बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ACV का, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, साथ ही साथ वेट लॉस बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आज हम जानेंगे राइट वे एप्पल साइडर विनेगर को लेने का, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं एप्पल साइडर विनेगर को लेने के, और उन सब तरीकों के ना अपने अपने फायदे होते हैं। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट जस्ट गेट इन टू द वीडियो। Welcome to my channel. I'm dietitian Kanchan Rai, and आज के वीडियो में हम जानेंगे right time to take apple cider vinegar. Guys, apple cider vinegar आपके gut के biome को change कर देता है। हमारे gut में दो तरह के bacteria होते हैं, एक होते हैं good bacteria और एक होते हैं bad bacteria. So, हमारे gut के good bacteria होते हैं जो कि हमारे blood sugar levels को manage करते हैं और उनको down करने में काम करते हैं ना, उनको फीड करते हैं एप्पल साइडर विनेगर। तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेंगे तो ये आपके गट में गुड बैक्टीरियाज के ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और जो कि एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। ऑल्सो एप्पल साइडर विनेगर पैथोजन को किल करते हैं। गाइस, कई बार हमने ये देखे होंगे कि शुगर की क्रेविंग खत्म ही नहीं हो रही होती, कितना भी हम कोशिश कर ले। सो इफ यू हैव शुगर क्रेविंग, देन इट कुड बी फ्रॉम फंगस कॉल्ड कैंडिडा। जब आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे होते कार्ब्स को अवॉइड करने का, शुगर को अवॉइड करने का, बट स्टिल आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हो, तो ये इसी रीजन की वजह से हो रहा होता है कि आपके गट में जो पैथोजेंस होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होती हैं, वो आपको क्रेव करवाते हैं कार्ब्स के लिए, शुगर के लिए। तो उन फंगस को किल करने का काम ही करते हैं एप्पल साइडर विनेगर। साथ ही साथ एप्पल साइडर विनेगर इकोलाइट बैक्टीरिया को किल करता है, जिसके वजह से आपको ब्लोटिंग हो रहा होता है और आपको जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं वो उस बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती हैं। तो इफ़ यू टेक एप्पल साइडर विनेगर, देन वो आपकी दो प्रॉब्लम को तो यूं ही ठीक कर दे रहा है, डैट इज आपकी क्रेविंग्स एंड द सेकेंड इज आपका जो ब्लोटिंग का इश्यू है वो भी। सो गाइज, अब जान लेते हैं कौन सा समय बेस्ट होता है एप्पल साइडर विनेगर को लेने का। सबसे पहला टाइम होता है एम्प्टी स्टमक, जो यूजुअली हम लोग हमेशा बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर को एम्प्टी स्टमक लेने से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपको ब्लोटिंग से बचाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके गट में एक हेल्दी माइक्रोबायोम स्टेट क्रिएट करता है, जिसके वजह से आपका पेट फुला फुला नहीं रहता है एंड आप काफ़ी लाइट फील करते हो। सो येस, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यू कैन टेक 1 teaspoon ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इन 1 glass ऑफ वार्म वाटर। नाउ सेकेंड टाइम आप कब ले सकते हो? खाना खाने से पहले। सो इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप कुछ खाने से पहले लोगे तो जो भी शुगर या कार्ब्स आप ले रहे हो उसका जो भी लोड पड़ने वाला है उसके लोड को तो ये कम करेगा ही, साथ ही आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करेगा। सो गाइज, तीसरा टाइम आप कब ले सकते हो? जब आप खाना खाने के बाद लेना चाह रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा फास्टिंग विंडो ख़त्म हुआ रहता है और ईटिंग विंडो में आते के साथ हम बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, और उस टाइम पे हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा पी लें कि हमें लाइट फील हो और जो शुगर लेवल्स हैं हमारे वो मैनेज रहे। तो उसके लिए आप आफ्टर मील भी ले सकते हैं। अगर आपने बहुत हैवी खा लिया है तो आप 1 teaspoon, लाइक छोटा सा टीस्पून, 1 glass वार्म वाटर में ऐड करके पी सकते हैं। वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी डाउन करने में हेल्प करता है और आपको भी लाइट फील करवाता है। साथ ही साथ जब आप ओवर ईट कर लेते हो ना, तो आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए आफ्टर मील, एंड अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो तो फिर आप स्क्वाट ज़रूर करें। वो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा शुगर्स का जो लोड आपके बॉडी में हो रहा है ना उसको कम करने के लिए। ना लास्ट टाइम आप तब ले सकते हो जब आप सोने जा रहे हो। ये टाइम ये आप तब प्रिफर कर सकते हो जब आप पूरे दिन में एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करना भूल गए हो, या फिर ये बहुत अच्छा काम करता है उन लोगों के लिए ना जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। बिकॉज नॉर्मली जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग फास्टिंग में, कुछ कुछ लोगों का क्या होता है ना कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है, तो एज पर स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप सोने से पहले 1 teaspoon ऑफ एप्पल साइडर विनेगर 1 glass ऑफ वार्म वाटर में लेते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर लोअर आते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट भी तो बहुत अच्छा काम करता ही है, साथ में वो लोग जो लोग पूरे दिन में भूल गए हैं एप्पल साइडर विनेगर को लेने के, वो भी रात को एप्पल साइडर विनेगर को ले सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें आप पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर को ले सकते हो। अगर आप चाहें तो सैलड्स में एज अ ड्रेसिंग भी करके एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम कर सकते हो।
सो गाइस कभी कभार क्या होता है ना, वेट लॉस हमेशा कैलोरी कम रखना या इंटेंस वर्कआउट करना ही नहीं होता। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें अपने ब्लड शुगर्स लेवल्स को मैनेज और स्टेबलाइज कैसे रखना है, और साथ ही साथ हमारी जो गट हेल्थ है वो हेल्दी है कि नहीं, और अपने माइक्रोबायोम स्टेट को भी स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका इंटरनल सिस्टम अगर हेल्दी है तो डेफिनेटली आपके किए हुए डाइट को ज़रूर से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो ये थे पूरे के पूरे एक इंफॉर्मेटिव तरीके जिस तरीके से आप एप्पल साइडर विनेगर को इंक्लूड कर सकते हो पूरे दिन में गाइस। एंड अगर आप इन तरीकों से लोगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर्स लेवल्स को तो मैनेज करेगा, एंड जब आपके हार्मोन्स मैनेज होते हैं ना गाइस, तो डेफिनेटली आप जो भी मेहनत कर रहे होते हो वो एक राइट डायरेक्शन में रिजल्ट शो करते हैं। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में बताए गए इन्फॉर्मेशन को एज आई मेंशनड फॉलो करोगे, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So yeah, this was all for today's video. Meet you in my next video. Then stay happy and stay healthy. Bye bye.